एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी ना हम लोग जा रहे हैं बांस के जंगल की ओर। बांस के जंगल में ना पूरा आग लग गया है, पूरी बांस के जंगल में जो है चारों तरफ जो है आग लग गया है और आग जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हम लोग ना अभी उसी को देखने जा रहे हैं। हमारे घर के ना पूरे पास में ही, हमारे घर के पास से ही जो है बांस का जो जंगल है वो दिखता है। मैंने आप लोगों को एक दो बार और वीडियो में दिखाया भी है बांस का जो जंगल है उसको। तो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं, पूरे जंगल में आग लग गया है। तो मैं आप लोगों को पूरा बांस का जंगल दिखाऊंगी। आग लग चुका है, उसमें छोटे छोटे जो है चिड़िया रहे होंगे, वो सारे लोग जल कर मर गए होंगे। एक बार और जो है ना आग लग गया था, पिछली बार लगभग एक डेढ़ महीने और पहले जो है आग लग चुका था और वो आग तो बुझ गया था, लेकिन इस बार फिर से आग जो है लग चुका है। तो पिछली बार तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। हमारे घर से ना पूरा दिखाई दे रहा है साफ साफ, आग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज का मौसम भी देखो, पूरा बादल छाया हुआ है, बारिश जैसा मौसम बना हुआ है। अभी पिछले दो तीन दिनों से आंधी तूफान आ ही रहा है रात को, और आज भी देखो अभी से, आज तो अभी से लगभग शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी से मौसम जो है पूरा ख़राब दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जंगल में, और जंगल के ना एक ही साइड में जो है आग लगा हुआ है, इस साइड में, और इस साइड में जो है आग नहीं लगा है। दो किनारे हैं, बीचों बीच रोड है और अगर बगल जो है बांस का जंगल है। तो जंगल के एक साइड में आग लगा है और दूसरे साइड में आग नहीं लगा है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो इधर तो आप देख सकते हो, ये देखो आग लगा हुआ है पूरे जंगल में। इस साइड का जंगल ना छोटा सा है और ये वाला जंगल जो है इस किनारे का जंगल बड़ा है। तो पिछली बार ना इस साइड लगा था और इस बार इस साइड लगा है, देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो, मौसम जो है पूरा चारों ओर बादल छाया हुआ है और ये है बांस का जंगल। हम लोग पास में पहुंच गए, लेकिन इधर जो है आग नहीं लगा है, इधर जो है साफ है, आग नहीं लगा है। इधर आगे में जो है आग लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो इधर देख सकते हो अभी थोड़ा थोड़ा जो है दिखाई दे रहा है। अतुल के साथ हम लोग जा रहे थे, साइकिल में हम लोग थे, लेकिन अभी मैं उतर गई हूँ। और बादल का आवाज़ तो आप लोग सुन ही सकते हो, बादल जो है गरज रहा है। और ये देखो आग जो है दिखाई दे रहा है इधर से थोड़ा थोड़ा। तो चलिए और आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस देख सकते हो, इधर बांस का जंगल जिसमें आग लगा हुआ है, और ये देखो बांस का पेड़ जिसमें आग लगा हुआ है। आग इसमें जो है धीरे धीरे चढ़ रहा है। इन बांस के जंगल में ना बहुत सारे चिड़िया रहते हैं, वो सारे चिड़िया का अपना अपना जो है घोंसला बनाया होगा। सारे घोंसले में मतलब कि चिड़िया के बच्चे होंगे, वो सारे इसमें झुलस कर मर जाएंगे। पिछली बार इस साइड आग लगा था, रोड ये बीचों बीच रोड है और रोड के अगल बगल जो है बांस का जंगल है। तो पिछले बार इस साइड लगा था और ये वाला जंगल थोड़ा बड़ा है, इस साइड से जंगल से ज़्यादा बड़ा है ये वाला जंगल। तो ये वाला जंगल ना तो पूरा ही जल गया था, देख सकते हो पिछली बार जला है उसका। अभी भी ये देखो पेड़ में काला काला निशान है ही अभी तक, ये देख सकते हो अभी भी इसमें काला काला है। और इस साइड में जो है इस बार लगा है, ये वाला जंगल थोड़ा सा छोटा है और इसमें जो है बहुत सारे पेड़ मतलब कि पक्षी रहते हैं इस जंगल में घोंसला बनाकर। तो सारे इसमें जो है ना जल कर मर जाएंगे, ये देख सकते हो। पता नहीं किसने इसमें आग लगा दी है, किसी ने जानबूझकर ही आग लगाया होगा तभी जो है इतना ज़्यादा आग लगा है। और इधर तो पूरा जल गया है, जल गया है, वो पूरा काला काला दिखाई दे रहा है। और इधर जो है अभी झुलस रहा है, पानी गिरा है ना इसी वजह से ज़्यादा तेज़ी से आग नहीं फैल रहा है। अगर पानी नहीं गिरा होता, पूरा सूखा होता ना घास वगैरह, तो बहुत तेज़ी से आग और फैल जाता। घर से ना बहुत दिखाई दे रहा है, और इधर से तो अभी पास में आए तो उतना ज़्यादा नहीं फैला है, फिर भी आधा जंगल जो है जल कर राख हो गया है, देख सकते हो। उधर के पेड़ में भी जो है आग लग चुका है पूरा, पता नहीं किसने आग लगाया है गैस। और अतुल यहाँ पे देख सकते हो चिड़िया खोजने के लिए, चिड़िया उड़ रहे हैं बहुत सारे आग में झुलस झुलस के, जो है मर भी रहे होंगे। तो देख सकते हो वो पूरा आग के उस पास जाकर देखो देख रहा है। तो गैस आग तो देखो पूरा फैल रहा है और अंधेरा भी बहुत हो गया है, देख सकते हो बादल जो है वैसे ही छाया हुआ है जिस वजह से अंधेरा दिखा रहा है। और 6 भी बज गए हैं, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। अब आग को तो इसको बुझा नहीं सकते, हम लोग अकेले ही है ना, तो देख सकते हो पूरा फैल रहा है। तो चलिए अब आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोग प्रे कीजिए कि आग जो है जल्दी से बुझ जाए और इसमें जो है पक्षी वगैरह रहते हैं छोटे छोटे चिड़िया, उनकी जान जो है बच जाए, क्योंकि बहुत सारे पक्षी जो है मर जाएंगे इसमें झुलस कर जल करके। और जिसने भी ऐसा किया है उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे जो है पक्षियाँ रहते हैं, वो सारी इसमें मर जाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
तो चलिए अब आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।